नमस्कार वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में प्रोडक्ट के ऊपर बताएंगे कि एमसीएल का बिजनेस सेगमेंट क्या है, किस किन किन क्षेत्रों में बिजनेस करने जा रही है। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो एमसीएल का जो मोटिव है कि 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम इसको बोलते हैं एमसीएल फ्यूल रिवॉल्यूशन, यानी कि एमसीएल ईंधन के क्षेत्र में क्रांति करने जा रही है। हमारा प्रथम लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है, इसके ऊपर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से होगा, तो शुरुआत आज कोई भी तहसील हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहले एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि आयुर्वेदिक हो गया, हर्बल हो गया, बांबू के प्रोडक्ट हो गए, केमिकल फ्री हो गया, वैदिक पेंट हो गया, पशु आहार हो गया, ऐसे करके लगभग 50-51 प्रोडक्ट हम अगले 6 महीने में, यानी 10 अगस्त 2023 को हमारी पहली लॉन्चिंग है, इसके बाद अगले 6 महीने में हम लोग 50 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आज एमसीएल में आता है, तहसील होने कोई भी बुकिंग करेगा, तो सबसे पहले वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्लस सेल, यानी पहले सेल शुरू होगा और उस तहसील में अगर कुछ बन रहा है तो एमसीएल उसको बायबैक करेगी और ऑल इंडिया मार्केटिंग करेगी, और अगर नहीं बन रहा है तो जो भी बनने की संभावनाएं हैं उसको एमसीएल वहां पर बनवाने पे काम करेगी। तो पहला सेगमेंट हमारा हो जाएगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसके बाद धरती माँ को बचाना है और जल जमीन जंगल को बचाना है, तो हमें केमिकल का उपयोग को बंद करना है। इसलिए एमसीएल का दूसरा प्रोडक्ट सेगमेंट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है उनके प्रोडक्ट को बाई बैक करेंगे, खरीदेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्लस सेल दोनों, मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन दोनों पर एमसीएल काम करेगी। तो प्रोडक्ट, ये हमारा दूसरा सेगमेंट है ऑर्गेनिक खेती। आइए हम बताते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, तीसरे सेगमेंट के बारे में। तीसरा सेगमेंट हमारा है एम कोल, बायो कोल। अब ईंधन के क्षेत्र में आते हैं। देखिए, अगर सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में कुछ इस्तेमाल हो रहा है भारत में तो वो कोयला और डीजल इस्तेमाल होता है, और कोयले से सल्फर और कार्बन की वजह से पूरे पर्यावरण की धज्जियां उड़ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो हम सब देख रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा सेगमेंट है वो बायो कोल है, जहां हम लोग किसानों से बायोमास लेंगे। बायोमास में आपका गोबर, पराली, सरसों की तूड़ी, खेती के जो भी वेस्ट है वो सब कुछ हमारे बायो कोल में उपयोग हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सीजनल है, इसलिए हम लोग किसानों से नेपियर घास उगाएंगे और इससे हम बायोकोल तैयार करेंगे। और बायोकोल का मार्केट बहुत बड़ा है। हम लोग 10 अगस्त को चूल्हा लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप फोटो में देख सकते हैं। और इस चूल्हे से ये चूल्हा घर घर में इस्तेमाल होगा, और गैस जो हम आज एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी सस्ता ये चूल्हा पड़ेगा। तो अब बात करते हैं जो हमारा चौथा और आखिरी सेगमेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एमसीएनजी, यानी कि नेपियर घास से सीएनजी की फैक्ट्री हम लगाने जा रहे हैं। प्रत्येक तहसील में 8 से 10 एकड़ में ये सीएनजी लगेगा, जहां हम लोग कच्चा माल 100 टन लेंगे और इससे हमारा 8 से 10 टन सीएनजी, स्लरी खाद, लिक्विड खाद और कार्बन निकलेगा। और जरूरत है कि सीएनजी का उपयोग, सीएनजी का उत्पादन हमारे देश में बढ़े, जिससे कि जो सबसे ज्यादा हम लोग पैसा ईंधन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल मंगाने में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा देश का बचे और वो किसानों तक जाए। यानी जो आज हमारा किसान अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बन जाएगा एम सीएनजी और एम कोल के प्रोजेक्ट के लगने के साथ ही। और बहुत बड़ा मार्केट है, यानी जो डीजल जो पेट्रोल आज उपयोग किया जा रहा है वो सारे हम लोग सीएनजी में उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको बदलेंगे और भारत को
2030 तक ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ में जब ये पैसा किसानों के हाथ में जाएगा तो ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे भारत 2030 तक या उसके आसपास हम लोग भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये हो गया MCL का प्रोडक्ट सेगमेंट। तो जो भी साथी हैं यहाँ आ रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप आएंगे तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सेल से आपका बिजनेस शुरू होगा। इसके बाद फिर बायोकोल की फैक्ट्री लगेगी और फिर बायो CNG की फैक्ट्री लगेगी, जिसमें एक साल के पहले तो बायोकोल की फैक्ट्री नहीं लगनी है, एक साल के बाद ही लगेगी, और CNG की फैक्ट्री 2 साल के पहले तो नहीं लगनी है। तो इसलिए जो भी साथी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे फोन करें, और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जूम पर मीटिंग कर सकते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन देखें, हमारे यूट्यूब पर तमाम नए पुराने वीडियो को देखते रहें। और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।